हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल माय टेक मोड पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बूटेबल पेन ड्राइव क्या होती है। दोस्तों, बूटेबल पेन ड्राइव एक ऐसी पेन ड्राइव होती है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं या उसमें कोई भी नया OS इंस्टॉल करते हैं, चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो या कोई भी OS हो। तो साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपनी पेन ड्राइव को MBR में बूट करना चाहिए, GPT में बूट करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी क्रोम ब्राउज़र पर जाएं और यहाँ सर्च करें रफस। अब पहले दिए गए लिंक को ओपन कर लेना है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर अब इस टूल को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अब हम इस टूल को ओपन कर लेते हैं। आपको करना है क्या है, अपनी पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाइए। देखिए, यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव शुरू हो गई है और यहाँ पर आप नीचे बहुत सारे ऑप्शन देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से कोई भी अपनी OS फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आप देख रहे होंगे पार्टीशन स्कीम। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक GPT एक MBR। अब हम इसमें क्या सिलेक्ट करें, MBR सिलेक्ट करें या GPT सिलेक्ट करें। चलिए, इसका सोल्यूशन भी है। और आप अपने विंडोज के सर्च बार में जाइए और यह सर्च कीजिए कंप्यूटर मैनेजमेंट। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट में जाना है और 0 पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, पॉलिसीज, वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम में जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर GPT है। तो हम अपनी पेन ड्राइव को GPT में बूट करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर MBR शो होता है तो आप अपनी पेन ड्राइव को MBR में बूट कीजिए। तो चलिए, मैं GPT सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको सिंपली इसको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। ओके पे क्लिक करिए। अभी आपसे पूछेगा कि आपकी पेन ड्राइव में कोई डेटा या कोई फाइल तो नहीं, अगर है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, वरना बूटेबल के टाइम ये सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। तो चलिए, हम इसे ओके कर देते हैं। अभी लगभग 10 या 15 मिनट के बाद आपकी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर रैम पर। अगर आपकी कंप्यूटर की रैम 4GB है, ये थोड़ा स्लो भी हो सकता है, 15 से 20 मिनट भी ले सकता है। अगर आपकी कंप्यूटर की रैम 8GB है तो ये 10 मिनट में भी कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए, हम थोड़ा सा इसे वेट कर लेते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये पेन ड्राइव सक्सेसफुली बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। चलिए, इसे क्लोज कर देते हैं। तो बस, आज की वीडियो में आपने देखा किसी पेन ड्राइव को कैसे किसी बूटेबल पेन ड्राइव में बदल सकते हैं। आई होप यू गाइस, आज के वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।